राम ने जो धनुष तोड़ा उस धनुष का क्या नाम था, जानिए सच। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, इस वीडियो में जो प्रसंग लेकर के आए हैं ये प्रसंग रामायण से है, अतः आप इस प्रसंग में जानेंगे कि जो श्री राम ने धनुष को तोड़ा था जनकपुर में सीता के स्वयंवर में, तो उस धनुष का क्या नाम था, ये जानने के लिए हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। और यदि हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। दोस्तों, आइए ज्यादा विलंब न करते हुए इस प्रसंग पर ध्यान देते हैं। बंधुओं, बात उस समय की है जिस समय जनक नंदनी सीता ने छोटी सी अवस्था में धनुष को उठा करके उसके नीचे लीप दिया था, जो शंकर जी का धनुष था। दोस्तों, माता सुनैना ने देखा, सुनैना ने जाकर के ये सारी बात जनक से कही है, तो जनक ने संकल्प किया कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में हम अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। दोस्तों, कितनी अवस्था थी जब सीता जी ने धनुष को उठाया था और लीपा था, प्रमाण मिला है उस समय सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र थी, जो सीता जी ने धनुष को उठाया था। जनक जी ने संकल्प किया, सीता के स्वयंवर की तैयारियां करवाई हैं, बहुत दूर देश के राजाओं के लिए खत भिजवाए, राजा वहां पर सीता से विवाह करने के लिए इकट्ठे हुए। दोस्तों, उसी सीता जी के स्वयंवर में जनक के यहां विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण भी गए, तो जनक ने सबको अवगत कराया है कि जो इस शंकर जी के धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में हम अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। सारे राजाओं ने वहां अपनी ताकत अजमाई, लेकिन वो धनुष तिल भर भी नहीं हिला पाए। दोस्तों, जनक कहने लगे, अब हमें यह मालूम हो गया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो लक्ष्मण को वहां पर क्रोध आया, उस क्रोध को विश्वामित्र ने लक्ष्मण को शांत किया। उसके बाद में राम को आज्ञा दी कि जाओ जनक के संताप को दूर करो। गुरु से आज्ञा लेने के बाद में राम गए हैं और उस शंकर जी के धनुष को तोड़ा। तो दोस्तों, आइए उसी सवाल पर आते हैं कि इस धनुष का नाम क्या था और यह धनुष कैसे बना। तो दोस्तों, इस धनुष का नाम पिनाक था, पिनाक महर्षि दधीच की पिनाक नामक हड्डी थी, उससे इस धनुष का निर्माण हुआ था। तो जो राम ने धनुष तोड़ा था यह पिनाक नाम का धनुष था, यह शंकर जी का धनुष था। दोस्तों, मार इसी ददीज की हड्डियों से 3 हथियार बनाए थे, 2 धनुष और 1 वज्र। सारंग नामक जो धनुष था वो भगवान विष्णु के पास में पहुंचा और पिनाक नाम का जो धनुष था वो भगवान शंकर जी के पास में पहुंचा। यही शंकर जी का धनुष पिनाक नाम का, जो जनक से 19 पीढ़ी पहले ये जनकपुर में रख दिया था, जिसे सीता जी ने उठा लिया था और जिस धनुष को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने तोड़ा था। तो दोस्तों, वज्र जो था वो इंद्र को दे दिया, तो 3 हथियार बने थे। तो पिनाक नाम का धनुष था जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जनकपुर में तोड़ा था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो, हमारा प्रसंग? अगर ये प्रसंग अच्छा लगा हो, ये बात समझ में आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करना और दूसरों को भी शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधुओं व दर्शकों के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।